पश्चिम बंगाल के मेडिकल कॉलेज में हुई दुष्कर्म की घटना और सरकार द्वारा इस मामले में की जा रही कथित लापरवाही के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बिहार शरीफ में आक्रोश मार्च निकाला। ये मार्च सदर अस्पताल से हॉस्पिटल चौराहा तक निकाला गया। इस दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका गया। विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक प्रतीक राज ने कहा कि बंगाल की इस घटना से पूरा देश शर्मसार है। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है और इस मामले में जांच में भी लापरवाही बढ़ती जा रही है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिहार श्री इकाई के द्वारा आज सदर अस्पताल से अस्पताल चौराहे तक आक्रोश मार्च के साथ साथ आज बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आज पुतला दहन किया गया है। आज पुतला दहन करने का एक मुख्य उद्देश्य है कि बीते दिन लगातार बंगाल सरकार की गुंडागर्दी टीएमसी के गुंडों के द्वारा वहां के महिलाएं तो सुरक्षित है ही नहीं, बल्कि वहां के डॉक्टर भी सुरक्षित नहीं है। वहाँ बीते दिन टेली डॉक्टर के ऊपर जिस प्रकार से बर्बरतापूर्ण बलात्कार के दौरान बलात्कार के साथ साथ उस महिलाओं का बर्बरतापूर्ण तरीके से हत्या किया गया, आज पूरा देश उस सदमे से दहल गया है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो कि बंगाल की मुख्यमंत्री है, एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए वहाँ के महिला सुरक्षित नहीं है, वहाँ के डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, आम जनता को सुरक्षा कौन देगा, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बंगाल सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहती है कि जल्द से जल्द उन दोषियों के खिलाफ फास्ट ट्रायल के माध्यम से उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उन सभी जो आरोपितों हैं उनके लिए मांग करता है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन करने का काम करेगा। ऐसे गुंडागर्दी सरकार नहीं चलेगी। देश में जब महिलाएं सुरक्षित नहीं होगी, सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ तो रही है लेकिन बेटी को बचा नहीं पा रही है, ऐसे सरकार के खिलाफ दौड़ टू का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का है कि जल्द से जल्द ऐसे आरोपियों पर कार्रवाई करने का काम करें।